आतंकवाद की पनाह बने पाकिस्तान की हरकतों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उसके दूसरे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और ईरान भी परेशान हैं। यहां आपको बता दें कि पाकिस्तान की गोलीबारी और अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में पाकिस्तानी सेना के हस्तक्षेप से परेशान अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इसकी शिकायत की है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से अफगानिस्तान की सीमा में गोले दागता रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान को भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान से भी बड़ा जबरदस्त झटका लगा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को झटका देते हुए भारत के साथ व्यापार का नया रास्ता निकाला है। अफगानिस्तान को भारत के साथ व्यापार करने में अब पाकिस्तान के रूट की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पर दादागिरी करता था अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ईरान में चाबहार पोर्ट बनाकर भारत ने जो कूटनीतिक दांव खेला था उसका असर अब दिखाई देने लगेगा। अफगानिस्तान ने ईरान के चाबहार पोर्ट से पहली बार 57 टन प्रोडक्ट्स भारत भेजकर पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। अफगानिस्तान के प्रोडक्ट की पहली खेप अगले कुछ दिनों में मुंबई पहुंच जाएगी। बीते रविवार को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने निमरोज प्रांत के जारांग शहर से 23 ट्रकों का काफिला रवाना किया है। अफगानिस्तान से कालीन सूखे मेवे और कपास समेत 57 टन का माल है जिन्हें भारत के लिए रवाना किया गया है। अब तक अफगानिस्तान से आने वाले प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पाकिस्तान कई तरह के अड़चने पैदा करता था। पिछले साल पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी ट्रकों को रोक दिया था जिसके बाद भारत ने अफगानिस्तानी प्रोडक्ट को हवाई रूट से मंगवाया था। अब तक इन उत्पादों को पाकिस्तान के रास्ते पंजाब के अटारी बॉर्डर से भारत लाया जाता था। हालांकि इसके लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान की इजाजत लेनी होती थी। साथ ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के ट्रकों को सीधे भारत ना भेजकर अफगानिस्तानी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के ट्रकों में लोड कर भारत भेजता था। पाकिस्तान इसके पीछे सुरक्षा के कारणों को वजह बताता था लेकिन अब पाकिस्तान ने जितना भी पीछे ढोंग किया है भारत उसका बदला सूद समेत लेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के साथ साथ दूसरे पड़ोसी देशों ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का मन बना लिया है और जिसकी शुरुआत अब हो भी चुकी है और आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में ही ना दिखे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत।